ये क्वेश्चन एससीएलवन फिजिक्स से चैप्टर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चूंकि ये कैपेसिटर से लिया गया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, लिखा हुआ है व्हेन 1.0 इंटू 10^12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। क्या हो रहा है, 1.0 इंटू 10^12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, यानी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर किया जा रहा है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। और चूंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, वो कितना का है, 10 वोल्ट। पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। तो यहां पर कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है यह लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n इक्वल टू कितना हमारा है, 1.0 इंटू 10^12 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। निकालना क्या कह रहा है, यहां पर से देखिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी c इक्वल टू y। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कहने का मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा वन कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है। तब जाके आप क्या कीजिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखें कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1.0 इंटू 10^12 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10 वोल्ट। और सी हमको फाइंड आउट करना है, तो सी फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट में देखिए, सी इक्वल टू क्यू आई वी। यानी फिजिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेना है, जैसे यहाँ पे कर लिए। उसके बाद का स्टेप है क्या फाइंड आउट करना है, जस्टिफाई टू द क्वेश्चन मार्क। अब c इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, क्यू आई वी। अब यहां पर से हमारा v तो दिया हुआ है लेकिन q फाइंड आउट नहीं है, तो q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n e, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज। तो q का कैसे फाइंड आउट करेंगे, q इक्वल टू n e का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग यहाँ से Q यानी टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर से देखिए n का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 1.0 इंटू 10^12 इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देखिए 1.6 इंटू 10^-19, यानी 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। तो टोटल हमारा कितना हो गया, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 और इंटू 10^12 यहाँ पर से क्या हो जाएगा, -7 कूलम। चार्ज कैसे हमारे पता है कूलम। अब इस क्यू के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1.6 इंटू 10^-7 डिवाइडेड बाई, और भी कितना है, 10। देखिए बेस सेम रहने पर क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-7 -1। तो यहां से आप लोग का ये हमारे का ये फैराड में, यानी C इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-8 फैराड आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है, सेकंड स्टेप क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है गिवन है उसको हम लोग को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, थर्ड स्टेप
क्या फाइंड आउट करना है और उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, जस्ट इट पे नोट डाउन। अब यहां पर से ध्यान देना है कि अगर वो क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हम लगाते हैं, यूज करते हैं, तो इसमें क्या क्या नहीं दिया हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरमीडिएट। तो यहां पर हमारा Q का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग Q इक्वल टू ए बी का फॉर्मूला यूज किए और सबसे पहले क्या किए, इसका चार्ज फाइंड आउट किए। तो यहां पर हम लोग का ये वैल्यू याद रखना चाहिए, है ना, और ये फॉर्मूला, तभी हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिजिक्स में ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पीछे का फॉर्मूला का यूज होता है, तो हमेशा फॉर्मूला को आप लोग याद करते रहिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन में।